मेरा दिल बदल दे, 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 मेरा दिल बदल दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं एतकाफ में बैठने के लिए जा रही हूँ आज इंशाल्लाह। एतकाफ में बैठने आप सबकी दुआओं की जरूरत है, अल्लाह पाक से एतकाफ में नफली एतकाफ है ये, और क्योंकि सुन्नत का एतकाफ 10 दिन का होता है पूरे, और बहुत ज़्यादा उसमें जो उसके रसूल तवाब बहुत ज़्यादा हैं, उसके हकूक बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे नफली एतकाफ करती हूँ। और दुआ की जगह मेरा कुरान पाक एतकाफ में ख़त्म हुआ, जन्नत भी इंशाल्लाह मुझे ज्वाइन करेगी, उसके स्कूल जैसे ही बंद होंगे। अपना ख्याल रखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पर एतकाफ में बैठी हूँ। ये जन्नत का रूम है। फजल फरमा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दे। बैठने वाली हूँ एतकाफ में, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊंगा अपना एतकाफ का कमरा। बादल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। यहाँ पर ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, कलाम पाक है, पंसूरा है, तस्बीह है, डिजिटल तस्बीह है, अगरबत्तियाँ हैं, पानी है, और बस इंसान की ज़िंदगी में यही जो चार पांच चीज़ें उसको चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें हैं। बिस्तर है, चादर है, तकिया है, और क्या चाहिए होता है ज़िंदगी में, बस यही चाहिए होता है। ये एतकाफ़ हमें ये भी याद दिलाता है कि इंसान की ज़िंदगी इन तीन चीज़ों के साथ भी गुजर सकती है, लेकिन क्या करें, हम इंसान हैं, मजबूर हैं अपनी ख्वाहिशात और अपनी आसाइशों के हाथों। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, आमीन। और मैंने इंशाल्लाह कलाम पाक पूरा करना है, इसके अलावा मंजिल पढ़नी है पूरी, इसके अलावा सातों तस्बीहात हैं, इसके अलावा जितने भी नवाफिल हैं शब कदर के वो हैं वो पढ़ने हैं, कज़ाए उम्री की भी कोशिश है कि पढ़ लूँ। और जितने दिन मैं एतकाफ़ में बैठूँगी कोई भी मर्द ना मेरी आवाज़ सुन सकेगा, ना मेरा चेहरा देख सकेगा, ना मैं किसी से मिल सकूँगी, ना मैं किसी से बात कर सकूँगी, फ़ोन मेरा बंद होगा, और सऊद से भी कोई बातचीत नहीं होती। बच्चे आ जाते हैं, मिलते हैं मेरे साथ, हमेशा इब्राहिम भी अफ्तार भी करते हैं, और हम लोग शब कदर की जो ताक रातों की इबादत है वो भी करते हैं साथ। और इस दफ़ा तो अम्मी भी जो है अभी हैं घर में, तो अम्मी कह रही थी कि आज चूँकि ताक रात है तो हम लोग सलातों तस्बीह साथ ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, भाभी भी है मेरी, और बस फिर मैं होंगी, मेरा अल्लाह होगा, मेरी इबादतें होंगी, और बस असल हो गई है, और इंशाल्लाह मैं असल की नमाज यहीं तक पढ़ूंगी, और इंशाल्लाह तो फिर आपसे मुलाकात होगी। ये तस्बीह नादिया कबूल ने मुझे दी, शुक्रिया उनका। बस अभी मैं जाके बच्चों से मिलती हूँ और फिर आकर एतकाफ़ में बैठती हूँ इंशाल्लाह ताला। ये कुल कायनात बस यही है अब जो मेरे साथ रहेगी, ये मेरा कमरा है, एक बिस्तर, एक पानी की बोतल, बस आ रहे मामा। ओके आ जाए, आ जाए, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा दिल बदल दे। अस्सलाम वालेकुम, आ जाए बैंक पर। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। ये वो कमरा है जिसमें मैंने ताक रातें गुजारी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, इबादत की, कुरान पाक पढ़ा माशाल्लाह, इसके अलावा बहुत दुआएं की, बहुत मगफरत की, और ये सामने
कांच की बोतल नज़र आ रही है, इसमें पानी है। ये जो कुछ मैं पढ़ती रही हूँ उस पानी पर मैं दम करती रही हूँ, और इंशाल्लाह अब ये पानी हम अपने घर के पानी में मिलाएंगे और पियेंगे। और ये सामने मैंने आयतें और सूरतें लिखी हैं जो मुझे याद नहीं थी, ताकि मैं भूलूँ ना, तो ये भी मैंने दीवार पे लिखी हुई है। पोस्टर था, पोस्टर को छुपाया था और उस पे फिर मैंने आयतें लिखी थी। वैसे इंसान की ज़िंदगी यही है, इतनी छोटी सी जगह है नहीं, कुछ भी कर लें, आप रहना इतनी सी जगह पर ही होता है। और जब इस कमरे से उठ के जा रहे होते हैं तो बड़ा दुख हो रहा होता है, बड़ी उदासी सी हो रही होती है, क्योंकि हम दुनिया में वापस आ रहे होते हैं, लेकिन दीन और दुनिया साथ लेकर चलना पड़ता है। और बस दुआ यही है कि अल्लाह पाक हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए, जो कि हमने रमज़ान में की, जो तौबा की, जो दुआएँ की, सब अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये कमरा जो है खुशबू से मुअत्तर रहता था, इतर और अगरबत्तियों की खुशबू से, और जन्नत का ये रूम है। और काफ़ी अरसे तक हर साल जब भी मैं एतकाफ़ में बैठती हूँ, ये खुशबू जो है कई महीने तक इस कमरे में रहती है, और इसके पास से जब बाहर से भी गुजरते हैं तो खुशबू बहुत तेज़ आती है। और अल्लाह पाक से ये दुआ है कि इस कमरे में जो कुछ भी पढ़ा गया है उसको कबूल करे और उसकी रहमतें बरकतें हमारे घर में नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये है मेरा वो कमरा, जन्नत का कमरा है वैसे तो ये, जिसमें मैं एतकाफ में बैठी थी, आप देख सकते हैं। और अभी एतकाफ से उठ गई हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। पता नहीं, मुझे तो लग रहा था कि पहले एक दफ़ा जब 10 बजे कहा गया था कि सुबह ईद है, तो आज भी शायद ऐसे ही होगा, लेकिन एक घंटा पहले बता दिया, तो शुक्रिया उनका। तो बस सब लोगों को जो जिन्होंने एतकाफ किया है, सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अल्लाह पाक हम सबका एतकाफ, हमारी इबादतें, हमारी दुआएं, हमारी मगफरत, हमारी तौबा को कबूल करे, आमीन सुमामीन। ईद मुबारक, अपना ख्याल रखिएगा सब लोग, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।